हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे साथ में खड़ी है फ्रीडम 125, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल, ठीक है, जो भाई बजाज ने बहुत ही तगड़ा काम कर दिया गया है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है चर्चा हो रही है 125 सीसी की, जो ये सीएनजी बाइक आई है इसकी। सो अभी जो है एक कंप्लीट में डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। ये बेस वेरियंट आपके सामने खड़ा है, 7 कलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर। ब्लू कलर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ब्लैक वहाँ पे खड़ा है और रेड यहाँ पे। सो आपको 7 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, 3 वेरियंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये डिस्क ब्रेक्स वाला वेरियंट है, 1,10,000 का है, ये 95,000 है, ठीक है, इसकी एक शोरूम प्राइस। और इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,10,000, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक्स हैं इसके अंदर और थोड़ी बहुत फीचर्स हैं, जैसे कि डिजिटल क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पे जो है आपको बेस वेरिएंट के अंदर ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। सो अब बात करते हैं धीरे धीरे करके, बेस वेरिएंट के रिव्यू करते हैं कंप्लीट, आपको बताते हैं। 95,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट 17 इंच अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है, 90x90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर्स के साथ में। यूरो ग्रिप के आपको जो है टायर्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही शानदार ग्रिप है इसकी। वेट रोड पे बहुत ही पकड़ के चलते हैं टायर्स सड़क को, आप बिल्कुल भी जो है स्किट वगैरह नहीं होगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट के अंदर आपको जो है ऐसा कुछ इसके अंदर कंप्लीट ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ऐसे कुछ जो है काफ़ी इफेक्टिव ब्रेकिंग है। वैसे ड्रम ब्रेक्स वाली भी ऐसे कोई बात नहीं है कि डिस्क ब्रेक्स ही काफ़ी इफेक्टिव है, ड्रम ब्रेक्स भी काफ़ी इफेक्टिव है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। जब आप आगे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे तो पीछे वाला ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिक अप्लाई होने लग जाएगा और जो है गाड़ी जल्दी रुकेगी, और सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ भी है ये, ठीक है। सो अभी जो है यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, ऐसे कुछ जो कि इसके अंदर जो है कम्प्लीटली पैक है बॉडी के अंदर, अंदर वाले जो शॉकर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। फ्रीडम का आपको स्टिकर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यार यहाँ पे ये देखो भाई, देश का तिरंगा अपना यहाँ पे लगा दिया गया है, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ लगी मुझे। यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट फाइबर का मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको राइट साइड में भी फ्रीडम लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा इंडियन फ्लैग के साथ में। यहाँ पे जो है आपको ऐसी कुछ इसकी एलईडी लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है और एलईडी इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रेम जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिल जाता है। चेचिस का जो कंप्लीट फ्रेम है उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार लेवल की है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे देखने के लिए मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर। सो कीज़ की बात करूँ, बेस वेरिएंट के अंदर ऐसी कुछ आपको कीज़ देखने के लिए मिलती है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको ऐसा कुछ ऑडोमीटर देखने के लिए मिलता है डिजिटल, और आपको यहाँ पे सीएनजी साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। अटेंशन सीएनजी से आप अगर स्विच करोगे पेट्रोल में तो यहाँ पे आपको जो है पेट्रोल का दिखाने लग जाएगा ऊपर, और आप जब सीएनजी को दबाओगे तो यहाँ पे आपको सीएनजी का दिखाने लग जाएगा। साइड स्टैंड है, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ जिसका स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है, सीएनजी का टैंक लेवल देखने के लिए मिलता है कि इसमें कितना अभी सीएनजी भरा हुआ है, और कि आपको जो है चार्जिंग पोर्ट की बात करूँ तो ऐसा कुछ इसका चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। एंड अभी जो है ऐसा कुछ आपको इसका कंप्लीट फ्रंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स देखने के लिए मिल जाता है, एंड ऐसे कुछ आपको मिरर्स देखने के लिए मिलते हैं। मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं क्वालिटी में, बट थोड़े विड्थ में चौड़े होते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि व्यू जो है अच्छा बढ़िया प्रोवाइड होता पीछे का, ठीक है। सो गाइस, कीज़ मैंने आपको दिखा दिया, फ्रंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैंने आपको दिखाई दिया। अभी जो है अपन चलते हैं इसके फ्यूल सेक्शन की तरफ। तो ऐसा कुछ आपको जो है इसके अंदर कंप्लीट यहाँ से आप फ्यूल डलवा सकते हो, 2 लीटर तक कोई सा भी आप फ्यूल जो है यहाँ पर आप डलवा सकते हो। कोई सा भी नहीं, मतलब कि E20 ही डलवाना है वैसे ज़्यादातर, या पावर पेट्रोल भी आप डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। E20 पे भी ये गाड़ी चलेगी वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ऐसा कुछ CNG का इसका टैंक देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे आप CNG इसमें डलवा सकते हो। एंड 2 kg का आपको CNG टैंक देखने के लिए मिलता है, और 2 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। रेंज की बात करेगा इस, तो रेंज जो है आपको इसके अंदर अप्रॉक्स देखने के लिए मिलती है 300 से 330 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आप थ्रोटल क्लोज करोगे, चलती गाड़ी में आप थ्रोटल क्लोज करोगे, आप पेट्रोल पे स्विच कर सकते हो, सीएनजी पे स्विच कर सकते हो, आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो है राइट साइड से बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है फाइबर की इसके अंदर कम्प्लीटली। यहाँ पे फ्रीडम के आपको स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और बजाज के। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसे आपको फ्रीडम के स्टिकर्स और ये सब देखने के लिए मिल जाते हैं। सो यहाँ पे जो है आपको सबसे मेन चीज़ मैं बता दूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ही 10/10 है गाइस, जेनुअन बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको बिल्ड देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर। 125 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, एयर कूल्ड आपको जो है इसके अंदर ऐसा कुछ कंप्लीट इसका इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि पल्सर से ही लिया गया है टोटल मोटा मोटा मैं बताऊं। सो यहाँ पे आपको किक देखने के लिए मिल जाती है, अगर इसमें बैटरीज वगैरह लो हो जाती है, कहीं यहाँ पटक जाते हो तो आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हो। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको बजाज के स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको जो है राइनोसोर्स हिरन या जो भी कहते हैं यार, इसको डियर कहते हैं क्या कहते हैं मेरे को एक्चुअल में आइडिया नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो आपको ये स्टिकर देखने के लिए मिल जाता है। सो ऐसी कुछ आपको इसकी बहुत ही लंबी सारी सीट देखने के लिए मिलती है, बहुत लंबी सीट है, बहुत कंफर्टेबल सीट है। NG04 की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। ये देखिए, ये दिखा देता हूँ मैं, पीछे बात करूँ गाइस तो पीछे भी आपको जो है इसके अंदर
हेलोजन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हेलोजन इंडिकेटर्स टॉप वेरिएंट में भी हेलोजन ही आते हैं, ये देखिए, और लोअर बेस वेरिएंट में भी आपको हेलोजन इंडिकेटर्स ही देखने के लिए मिल जाते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं ब्रेक की बात करूँ, सो ऐसे कुछ आपको ब्रेक लाइट देखने के लिए मिलती है पीछे की, और पीछे से आपको जो है ऐसा कुछ इसका नंबर प्लेट देखने के लिए मिलता है। हगर की बात करूँ गाइस, तो हगर आपको CNG का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी हगर के ऊपर। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसमें भी आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिल जाते हैं। सो अभी एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है कम्प्लीटली, और इसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है, जो कि आपको मैंने बताया था सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। आप आगे का ब्रेक लगाओगे तो पीछे वाला ब्रेक ऑटोमेटिक दबने लग जाएगा, और वो जो है गाड़ी इफेक्टिवली रुकेगी काफ़ी अच्छी तरीके से। फुट रेस्ट की बात करूँ गाइस, तो ऐसे कुछ आपको जो है बल्कि फुट रेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आपका पैर वगैरह बिल्कुल भी स्लिप ना हो अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कुछ करो इससे तो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो है एग्जॉस्ट नोट इसका देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ में। यहाँ पे आपको 16 इंच अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं 120/70 सेक्शन के टायर्स के साथ में। पीछे भी आपको जैसा कि पता है ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड में साड़ी गार्ड देखने के लिए मिल जाता है, और मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो है आपको 5-speed गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर, वन डाउन, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ आती है गाड़ी कंप्लीटली। अभी एक बार जो है इस बेस वेरिएंट की मैं आवाज़ सुना देता हूँ आपको। तो इसके अंदर जो है साइलेंट स्टार्ट है, क्रैंकशाफ्ट जो है इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है स्टार्ट होने टाइम। सो अभी एक स्टार्ट मारते हैं। सो गाइस गाड़ी न्यूट्रल करनी पड़ेगी। तो ये जो अभी आवाज़ आ रही थी ये CNG पे थी, अब इसको अपन पेट्रोल पे स्विच करते हैं। सो बस एक फ़र्क दिख रहा है थोड़ा सा कि है ना, CNG पे जाते ही ना गाड़ी थोड़ी सी हल्की सी बेस जो है आवाज़ की वो कम हो जाती है, बाकी तो सेम ही है, कोई मोटा मोटा वो नहीं है। 300 से 330 किलोमीटर की अप्रोक्स इसकी रेंज आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी बेस वेरिएंट का भी जो है इसके अंदर आपको कंप्लीट जो है डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा बेस वेरिएंट और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का भी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना।